क्या आपके भी पास MovieQuick एप्लीकेशन है और आप अपने MovieQuick जीपे पे एप्लीकेशन का जो बैलेंस है उसे आप अपने बैंक में लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार MovieQuick के जीपे पे बैलेंस को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जो हमें जीपे बैलेंस मिला हुआ है वो हमें 2000 रुपये का लिमिट मिला हुआ है और इस लिमिट को हम अपने बैंक में लेना चाहते हैं। हमें कोई यहाँ पर इसे यूज करना है किसी और तरीके से, यानी कि हम कहना चाहेंगे कि हमारे बैंक में ही हमें इसे ट्रांसफर करना है। तो आप कैसे ट्रांसफर करेंगे अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा कमाल का तरीका बताएंगे जहां से आप अपने जीपे बैलेंस को अपने बैंक में ले पाएंगे। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर आप यहां पर टच करेंगे सी ऑल सर्विस पर तो आपको यहां पर कोई भी ऐसा सर्विस नहीं आया है अभी MovieQuick जीपे एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि MovieQuick एप्लीकेशन के अंदर कि अपने सारे के सारे पैसे को आप अपने बैंक में ले लेंगे, यानी कि जीपे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करें। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वैलेट टू बैंक ट्रांसफर, तो इसमें आपको बताया जाता है कि जो आपके वैलेट में पैसा है यानी कि यहां पर जो आपका पैसा है उसे आप बैंक में ले सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप अगर जीप का बैलेंस का पैसा लेना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। हम आपको बताएंगे किस तरीके से मिलेगा, क्या आपको करना पड़ेगा। और यहां पर भी आपको बताया जाता है कि जीप का बैलेंस बैंक में लेने के लिए इसे आपको यूज ही करना है और अपने बैंक में नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यह लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर आपको टच कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर टच करेंगे थोड़ा सा मात्र इंतजार करिए और इंतजार करने के बाद आपके सामने ये जो लिंक है इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको गोल्ड खरीदना होगा। हम आपको यहाँ पर अपना हिस्ट्री भी दिखाएंगे कि मैंने यहाँ पर सार बार अपना गोल्ड खरीदा हुआ है और उसे मैंने बेच दिया, सारा पैसा हमारे बैंक में आ गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि थ्री डॉट पर क्लिक करने है, यही एक आसान तरीका है अगर आप जीपे का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो थ्री डॉट पर टच करेंगे, जैसे आप इस पर टच करेंगे यहाँ पर मिल जाएगा साइन इन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपना एक OTP डालेंगे जो मोबाइल नंबर पर आएगा, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे और अपना पिन कोड डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाएगा। तो हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन इन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सक्सेसफुल अपना साइन इन कर लिया है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर हमारा वैलेट भी देखने को मिल रहा होगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना यहाँ पर पहले का गोल्ड है, यानी कि मैंने यहाँ पर पहले का भी गोल्ड खरीद के रखा हुआ है और इसे हम सेल करके आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें खरीदना कैसे है अपने MovieQuick जिग से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय पर क्लिक कर लेना है, नहीं तो आपको सबसे पहले अपना हिस्ट्री हम दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने यहाँ पर कितनी बार गोल्ड बाय किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा माई ऑर्डर, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हमारा सारा का सारा हिस्ट्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तारीख को मैंने इतना गोल्ड यहाँ पर खरीदा हुआ है। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमारा अमाउंट दिखाई देगा कि मैंने कितने कितने रुपए का यहाँ पर गोल्ड खरीदा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर मैंने सेल भी किया है। सेल करने का हिस्ट्री यहाँ से आ जाएगा, सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक करके देखने को मिल जाएगा कि मैंने कितनी बार यहाँ पर सेल किया है और हमारा पैसा बैंक में गया है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी बार इतना इतना रुपए का सेल किया है और ये सारा का सारा पैसा हमारे बैंक में जा चुका है। स्टेटस पर हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं और यहाँ पर देखेंगे स्टेटस, यहाँ पर करंट स्टेटस कंप्लीट, यानी कि पैसा हमारा सारा का सारा बैंक में आ चुका है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं हमेशा यहाँ पर गोल्ड खरीदता हूँ और उसके बाद बेच देता हूँ और हमारा सारा का सारा पैसा हमारे बैंक में आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको बाय पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप बाय पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका बाय पर सेट रहेगा, ये यहाँ पर वाई पर सेट रहेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा अमाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे और जितने रुपए का आप लेना चाहते हैं यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पर 100 रुपए का आज लेकर आपको दिखाएंगे तो हम यहाँ पर अपने 100 रुपए यहाँ पर डाल दिए हैं। आप चाहो तो जितना का आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 जितने का भी लेना चाहते हैं यहाँ पर आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा क्यूक बाय, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक समरी आ जाएगा कि यहाँ पर अपने ऑर्डर को आप देख लीजिए कि आप इतने रुपए का गोल्ड लेना चाहते हैं और इतना इतना मिलेगा और यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका इतना टैक्स लगेगा, यानी कि आपको पता होगा कि गोल्ड आप कहीं पर भी खरीदें हर जगह आपको GST देना होता है। तो इसमें हमारा 100 रुपए का गोल्ड है, इसमें हमारा 2.91 रुपए GST लग जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पेमेंट देना है तो वैलेट मिल जाएगा, वैलेट को चूज करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसा कि आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर MovieQuick, आप इसे चूज करेंगे। जैसे आप इसे चूज करेंगे पे पर क्लिक कर देना है सबसे नीचे। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से बताया जाएगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके MovieQuick के नंबर से आपके पास एक OTP आएगा, यहाँ पर आपके पास OTP आ जाएगा। जैसे हमारे पास आ चुका है तो ये OTP हम यहाँ पर देख लेते हैं और इस OTP को डाल देंगे तो 72, 33 और 63 हमारा OTP आया हुआ है। तो यहाँ पर डालेंगे 72, 33 और 63
और उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। जैसे हम यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करिए और हमारा OTP यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर बाय हो जाएगा, यानी कि कन्फर्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर यहाँ पर बाय हो चुका है, हमारे सामने थैंक्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से अपना ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे को देखना है अपना ऑर्डर हिस्ट्री। अब बात करेंगे इसे सेल कैसे करेंगे। तो सेल करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेल पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, सेल करने के लिए आपको यहाँ पर 48 घंटे का वेट करना होगा, यानी कि आप गोल्ड कहीं पर भी खरीदते हैं 24 घंटे के बाद ही आपको सेल करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो हम आपको यहाँ पर रिकमेंडेड करेंगे कि आपको यहाँ पर 48 घंटे का वेट कर लेना है। 48 घंटे के बाद अगर आप गोल्ड को सेल करेंगे तो जो भी आपका पैसा होगा वो बैंक में आ जाएगा। अगर आप 24 घंटे के अंदर आप यानी कि 24 घंटे के बाद अगर आप सेल कर देते हैं तो कभी कभी आपका पैसा रुक जाता है, एक दिन या दो दिन का समय लग जाता है। तो यहाँ पर आपको 48 घंटे का वेट करना है, यानी कि दो दिन का, और आपको तीसरे दिन अपना गोल्ड यहाँ पर बेच देना है और 4 से 5 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। बस कोई होलीडे ना हो, यानी कि बैंक में सिर्फ आपका छुट्टी ना हो और उसके बाद सारा पैसा आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर पहले का गोल्ड था जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हमारे पास 2 या 3 दिन से पहले का गोल्ड है, वो हम आपको सेल करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप जाएगा सेल, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, देखने को मिलेगा ग्राम और यहाँ पर अमाउंट। अब यहाँ पर आपका जितना गोल्ड है यहाँ पर देखने को मिलेगा, सारा का सारा गोल्ड आप यहाँ पर डाल देंगे, जितना है यहाँ पर आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं तो मैंने यहाँ पर अपना इतना गोल्ड डाल दिया है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा हमारा ये हो जाएगा 289 रुपये का, जैसा कि आप देख सकते हैं लमसम 290 रुपये का। तो इतना गोल्ड हमारे पास पहले से था, क्योंकि मैंने पहले 500 रुपये या 1000 रुपये का मैंने गोल्ड खरीदा था बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। हम यहाँ से क्यूक सेल पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट पेज आ जाएगा, जिसमें आपको समरी देखने को मिलेगा कि आप इतना गोल्ड बेच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स और यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपने बैंक का नेम डाल देना है, अपने बैंक का अकाउंट नंबर डाल देना है, अपने बैंक का IFSC कोड डाल देना है और अपना जो नेम होगा बैंक में वो अपना नेम डालेंगे। जैसे मैंने सारा का सारा फिलअप करके रखा है, बस आपको एक बात को याद रखना है कि यहाँ पर जो आप डिटेल डालेंगे वो आपको सही से डालना है, क्योंकि आपके इसी बैंक में आपका पैसा यहाँ पर आ जाएगा जब आप सेल करेंगे। तो हम यहाँ पर सारा डिटेल्स अपना फिलअप कर चुके हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आ जाएगा थैंक्स यू और हमारे पास थैंक्स यू आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो हमारा ये ऑर्डर यहाँ पर सेल हो चुका है, हमारे पास मैसेज भी आ चुका है। अब यहाँ से बैक आते हैं और बैक आने के बाद तो 4 से 5 घंटे के बाद आपके बैंक में ये पैसा आ जाएगा। अब दिखाते हैं कि हमारे MovieQuick में कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो अपने MovieQuick को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एक बार इसे हम यहाँ से रिसेंट से हटा देते हैं, फिर हम ओपन करेंगे और हमारा MovieQuick रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है। जैसा हम इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो बैलेंस है वो MovieQuick से ही कटा हुआ है। तो हमारा 3 रुपये GST हो गया, 100 रुपये का हमारा गोल्ड हो गया, तो 103 रुपये यहाँ से कट गए हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये होता है आसान तरीका अगर आप MovieQuick ZIP का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।